अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे एक बड़ा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। हमने यहाँ नेस्ले कंपनी का कॉफ़ी पाउडर लिया है, आप कोई भी कंपनी का पाउडर ले सकते हैं। दो बड़े चम्मच चीनी लेंगे, आप यहाँ पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ उबला हुआ दूध और हम यहाँ एक चौथाई कप पानी लेंगे। सब में पहले हमने गैस की फ्लेम ऑन करके चाय का पतीला गैस पे रख दिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। गैस की फ्लेम हम यहाँ मीडियम पे रखेंगे और उसके बाद हम डालेंगे चीनी और फिर इसमें डालेंगे हम कॉफ़ी पाउडर और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स होने देंगे। हम चम्मच से इन सभी को अच्छे से मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने चीनी को अच्छे से मिला दिया और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। नेक्स्ट हम एक ब्लेंडिंग जार में अपनी कॉफ़ी डालेंगे और इसे 15 से 20 सेकेंड ब्लेंड करेंगे और इससे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कॉफ़ी बहुत गर्म है। कॉफ़ी को सिर्फ 20 सेकेंड ही ब्लेंड किया, आप भी उससे ज़्यादा बिल्कुल मत ब्लेंड कीजिए। 20 सेकेंड में ही एकदम झागदार और क्रीमी हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे हाथ से ही बीट किया इसको। इसको डालेंगे हम सर्विंग कप में। ब्लेंडर के अंदर से सब झाग निकाल लेंगे और उसी कॉफ़ी के बर्तन में हमने डाला है दूध को। मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे जब तक के एक उबाल ना आ जाए। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। अब इस गरम दूध को हम डालेंगे उसी ब्लेंडर में और इसे भी करेंगे 15 से 20 मिनट तक ब्लेंड। और बहुत केयरफुली से कीजिएगा क्योंकि ये गरम दूध है, आपके ऊपर छींटे ना आ जाए। और ये देखिए हमने दूध को भी ब्लेंड कर लिया, 15 सेकंड ब्लेंड किया और पूरी झाग आ चुकी है क्योंकि गरम दूध था। नेक्स्ट हमने वो मग लिया जिसमें हमने कॉफ़ी डाली थी, इसमें डालेंगे हम दूध। और आपकी कॉफ़ी एकदम रेडी है। तो ये हमारी इतनी जल्दी इंस्टेंट कॉफ़ी तैयार है, इसको हम मिला देंगे। ये देखिए इसका झाग कितना क्रीमी और डिलीशियस है। तो आप भी इस इंस्टेंट कॉफ़ी लाजवाब को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।